कैसे आप सब, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 7 मैथ का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.6। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहते हैं फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6। आपको सभी वैल्यू मल्टीप्लाई करने को ही दे रखी है, पर इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आपको गिवन है और बस बाकी यही फ़र्क है। बाकी आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हो। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो इसमें जो 0.2 है इसमें आप क्या कीजिए, पॉइंट को 4 कर दीजिए, मतलब इस पॉइंट को भी छोड़ दो। क्लियर। जब आप पॉइंट को छोड़ दोगे तो पॉइंट के बाद देखें आपकी कौन सी वैल्यू है, खाली 2 बचा, तो आप इसे अभी सिर्फ 2 लीजिए, पॉइंट भी छोड़ दो। अब आपका बच्चा 2 और मल्टीप्लाई करना है आपने 6 से, तो जब आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप सब जानते हो क्या हो जाएगा, 12। 12 होने के बाद ये तो हमने नॉर्मल किया बट आपको गिवन है पॉइंट में, तो अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू गिवन थी, खाली 2, यानी कि एक डिजिट गिवन है, एक ही वैल्यू गिवन है 2, सिंगल डिजिट। क्लियर। तो बस आपको वैल्यू देखने की, 1 है, 2 है, 3 है, ये नहीं देखना वो 2 है, 4 है, 6, वो नहीं देखना, वैल्यू कितनी गिवन है। जैसे ये 2 एक ही डिजिट है, 1, ओनली 1, तो अब क्या कीजिए, यानी कि पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो यहाँ भी पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 पॉइंट के बाद। तो अब लास्ट वाली वैल्यू से काउंट करना शुरू कीजिए, मतलब कि ये फर्स्ट, वंस, टेंस, ऐसे करके। तो वंस के बाद देखिए एक ही वैल्यू के बाद पॉइंट था, तो वंस के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि एक ही वैल्यू के बाद है तो पॉइंट 2, यानी कि 2 को, जब पॉइंट 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा 1.2, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। जितनी पॉइंट के बाद वैल्यू गिवन होगी उतने से उतने बाद पॉइंट लगा देना, पहले पॉइंट को छोड़ देना। जैसे हम इसका एक और पार्ट देखते हैं, जैसे कि आपको ये 6th पार्ट दिख रहा है 211.02 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 से, तो जब आप इस पॉइंट को छोड़ दो, अगर आप इस पॉइंट को छोड़ दोगे तो आपको खाली क्या दिख रहा है, 21102। क्लियर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 84408। क्लियर। 84408। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था 0.0 थी, हमने पॉइंट को छोड़ दिया, अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद देखो कितनी वैल्यू थी, 0.2, यानी कि 2 वैल्यू, 0.2, 2 वैल्यू थी, यही 2, बस 2 वैल्यू थी। अब 1 से स्टार्ट करो, सॉलिड डिजिट देखो 2 डिजिट, यानी कि ये 1, ये 10 हो गए 2 डिजिट, इसके बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 844.08। क्लियर भाई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी, जैसे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट से देखना और उतनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना। इसी के बेस पर आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स इजीली कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ क्या है गिवन है, लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। आपको बस इसका एरिया निकालना है, तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ देखो आपको गिवन है 5.7, ब्रेथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 5.7 मल्टीप्लाई 3। तो सिमिलर पॉइंट को भूल जाइए, वही 57 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 171। अब देखो पॉइंट के बाद एक वैल्यू दो 0.7, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यानी कि सिंगल। तो यहाँ देखो एक ही डिजिट है 1, तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 17.1 आपका आंसर हो गया। और देखिए सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर 1 और ये भी 1, तो ये पावर दोनों ऐड हो गई, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पूरा आपका हो गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ध्यान रखिएगा हमारी जो यूनिट है वो भी शो करना इम्पोर्टेंट है, एरिया आपको हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मिलता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या हो गया एल इंटू बी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस आपको मल्टीप्लाई में उन्होंने 10, 100, 1000, मतलब ऐसी वैल्यू गिवन है।
सिमिलरली वही आपको करना है फाइंड, कहते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 10। देखिए आप वही कीजिए, 1.3 मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। तो जब आप 13 को पॉइंट को भूल जाओ तो हमारा क्या बचा 13, 13 को 10 से करोगे हमारा हो गया 130। क्लियर। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, 1, यानी कि ओनली 3, यानी कि 1 वैल्यू। तो वही लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 वैल्यू को छोड़ के यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो आपका हो गया 13.0, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। क्लियर। तो बस वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, उस हिसाब से आपको जीरो लगा देना है। जैसे हम इसका एक पार्ट देखते हैं, 10th, जैसे कि आपको दिख रहा है 0.08 मल्टीप्लाई 10। आप पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ दो, तो यहाँ देखो पॉइंट को छोड़ दिया, तो जब 8 बचा, 8 को 10 से करोगे तो आपको कितना होगा 80, यानी कि 80। पॉइंट के बाद देखो कितनी वैल्यू है, 0.08, यानी कि 2 वैल्यू। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू को पॉइंट, फर्स्ट वैल्यू ये हो गई, सेकंड ये हो गई, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 0.80। क्लियर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। जैसे कि आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, 43.07 मल्टीप्लाई 100। तो जब आप 43.07 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा 4307। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, सॉरी 4307000 हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, 0.07, तो 2 वैल्यू छोड़ दो, एक गे हो गई, एक गे छोड़ दी, तो हमारा ये आंसर हो गया 4307, जैसे कि आपको दिख रहा है 4307.0। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन 4, इसमें आपको कहता है ए टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपका क्या एक टू व्हीलर व्हीकल है, मतलब कि जैसे बाइक हो गई, स्कूटर हो गई, ऐसे कोई आपको एक व्हीकल है जिसके टू व्हील्स है, वो कहते हैं कि 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में, यानी कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर। बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल, तो आपको बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि वो आपको कहता है कि एक टू व्हीलर जो आपका व्हीकल्स है वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बस आपको ईजिली वही बताना है। क्लियर। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर में कितना वो आपको फाइंड करना है। तो वो इसी क्वेश्चन का हमारा है जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, कि आपको क्या कहना है, इन 1 लीटर टू व्हीलर कवर डिस्टेंस, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 55.3 किलोमीटर, हमें निकालना है 10 लीटर में। तो वही हम क्या कर देंगे, 10 लीटर के लिए वही कर देंगे 55.3 × 10। देखिए एक में 55.3, तो 10 से निकालना है, तो वही हम 10 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से निकालने के लिए हम इसे 55.3, यानी 1 लीटर में जितना कर रहा था 10 लीटर में निकालना है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जब आप 55.3 को 10 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 553.0 किलोमीटर। तो वो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 553 किलोमीटर। क्लियर। 1 लीटर में 55.3, और जितने में बोलेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 10 लीटर में कितना कर रहा है, 553 किलोमीटर डिस्टेंस। 10 लीटर में जो आपका टू व्हीलर है वो 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सिमिलर क्वेश्चन 1-3 की तरह ही है। इसमें एक मैं आपको पॉइंट के बाद तो 10, 100 करके वैल्यू दे दी थी, और एक आपको नॉर्मल, तो इसमें आपको ऐसी वैल्यू दी है जो दोनों ही क्या है, पॉइंट में है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये भी उसी तरह करना है जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं 2.5 और 0.3, यानी 2.5 और 0.3 को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी भूल जाओ, मतलब इस पॉइंट को भी छोड़ दो, तो आपके पास नॉर्मल वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 और 3। तो जब आप 25 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग जानते हो आपको क्या मिलेगा, 75। जब आपने 25 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 75। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू 5 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू 3। तो जब आप इन मल्टीप्लाई में करोगे तो ये दोनों वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी, मतलब कि पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, देखिए पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, यानी कि 5 थी, 1 वैल्यू थी यार,
में ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका या 75, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद वन वैल्यू है, यहाँ भी पॉइंट के बाद वन वैल्यू है, तो पॉइंट वन वैल्यू और वन वैल्यू टोटल कितनी हो गई आपकी, टू वैल्यू। क्लियर है, वन और वन यानी टोटल टू, यानी कि अब टू वैल्यू के बाद आपका पॉइंट आएगा। कितनी वैल्यू के बाद, टू वैल्यू के बाद। पॉइंट के बाद देखो यहाँ वन वन, तो टोटल हो गई टू वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा 75, यानी कि ये वन वैल्यू, ये टू वैल्यू, यानी कि अब इसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी हो जाएगा 0.75, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे हम इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि आपको ये 10th पार्ट दिख रहा है, 100.01 मल्टीप्लाई 1.1, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद टू वैल्यू और यहाँ पॉइंट के बाद वन है, तो अब इसे भूल जाओ। अभी आप नॉर्मल वैल्यू लो, 10001 मल्टीप्लाई बाय 11। क्लियर, ये वैल्यू आपको लेना है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 10101। क्लियर, ये आपको मिल गया 10101। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी वैल्यू, टू, और यहाँ पे कितनी, वन, तो टू और वन यानी कि दो वैल्यू, 01 और ये ओनली वन। पॉइंट के बाद दो वैल्यू और यहाँ पे एक, तो दो और एक टोटल कितनी हो गई, प्लस कर देना है, तीन वैल्यू। मतलब कि अब जो आपका तो जब आप 100 और 01 पॉइंट को अभी छोड़ दो और 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 110111। क्लियर, जब आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया है तो आपको मिला 110111। तो पॉइंट को भी आप छोड़ो, पॉइंट के बाद क्या देखो कितनी वैल्यू, टू और यहाँ पे वन, यहाँ हमने छोड़ दी, लेकिन हमें तो पॉइंट में आंसर चाहिए, तो टोटल वैल्यू कितनी, टू और वन, थ्री, तो थ्री वैल्यू देखो, 1, 2, 3, यानी पॉइंट का आ गया यहाँ पे, तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 11.011। क्लियर, ये आपकी वैल्यू हो गई 11.011, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये था आपका 10th पार्ट, ये वाला। क्लियर, तो जितनी पॉइंट के बाद वैल्यू है, जैसे कि 2, 1, जितनी होगी उनको ऐड कर देंगे और उतनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, आई होप आपने प्रीवियस एक क्वेश्चन किए थे इसी के बेस पे, और इसी तरह आपको ये भी करना है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसी के बेस पे आप अब ईजिली ये पूरी एक्सरसाइज कर। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।